मध्य प्रदेश के भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे आज शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने युवा सम्मेलन को संबोधित किया व साथ ही भाजपा प्रत्याशी जसवंत जाटव को जिताने की अपील की। अभिलाष पांडे ने अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान को कुआ बता डाला व पूर्व विधायक जसवंत जाटव को बाल्टी बता दिया। अभिलाष पांडे ने कहा कि सरकार एक कुआ होती है और जो विधायक होता है वह बाल्टी की तरह होता है। अभी शिवराज रूपी कुएं में एक बाल्टी में ही सड़कों का विकास हो गया, दूसरी बाल्टी में मंडी का और तीसरी बाल्टी में अन्य विकास की चीजें निकल कर आ गई। अभी और भी बाल्टी डाली जानी थी कि आचार संहिता लागू हो गई और भरी बाल्टी रुक गई। अब देखना होगा कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे के कुआं और बाल्टी वाले बयान पर युवा व जनता कितना भरोसा करते हैं। मित्रों, जो सरकार होती है वो कुएं की तरह होती है और जो विधायक होता है वो बाल्टी की तरह होता है। कुएं सरकार है। आदरणीय हमारे प्रत्याशी जी ने शिवराज सिंह चौहान जी जो एक कुएं की तरह की पूरी सरकार, उस सरकार में उन्होंने बाल्टी डाली और जैसे रस्सी खींचकर बाहर निकाली आपके यहां मंडी का उन्नयन हो गया। जैसे ही आपने दूसरी बाल्टी डाली आपके यहां सड़कों का विकास हो गया सर। जैसे ही आपने तीसरी बाल्टी डाली अन्य विकास की चीजें निकल कर आ गई। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि और भी बाल्टी इन्होंने विकास के लिए डाली होगी, लेकिन आचार संहिता लग गई इसलिए बाल्टी वही रुक गई सर। यदि तुम चाहते हो कि अपने क्षेत्र में हम विकास की गंगा बहा पाए, यदि आपने ये तय किया है, आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास की गंगा बह जाए, तो इस तरह से हमारे प्रत्याशी को विजय श्री दिलाइए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए और सारे विकास की चिंता आदरणीय जाटव जी के कंधों पर सौंप जाइए। यही आग्रह, यही निवेदन, फिर से एक बार पुनः